लखनऊ में बिजनौर रोड के पास 70 मकानों की गेटेड सोसाइटी, रेडी टू मूव इमीडिएट रेजिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए एक और रॉ हाउसेस की इन्फॉर्मेशन। और ये जो रॉ हाउसेस हैं ये बिजनौर रोड के पास में हैं, बिजनौर रोड से लगे हुए हैं, मात्र 600 मीटर की दूरी पर। आप सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद सोढ़ी साहब की। सोढ़ी साहब आपकी कंपनी का क्या नाम है? स्काईवे डेवलपर्स। स्काईवे डेवलपर्स। और जो अगर बात करें यहाँ की लोकेशन की, तो ये लोकेशन क्या लगती है? लोकेशन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ करें। तो ये सर्वर नगर पड़ता है। ये सर्वर नगर पड़ता है, प्रॉपर सर्वर नगर है। ये नगर निगम में आता है? प्रॉपर नगर निगम में आता है। अच्छा, और जो ये रॉ हाउसेज हैं, ये जो रोड है यहाँ पर सामने, ये कितने फीट का रोड है? जो हमारी रोड है पूरी प्रॉपर 25 फीट है। 25 फीट है। और यहाँ से जो बिजनौर रोड की जो दूरी है वो कितनी है? 400 मीटर पड़ेगा। नियर अबाउट 400 मीटर। आसपास में जैसे होता है बैंक फैसिलिटीज, जैसे बैंक है, एटीएम है, या फिर स्कूल है, ये सभी चीजें, हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, कितनी दूरी पे होंगे? सारी चीजें 500-600 मीटर मिल जाएंगे। 500-600 मीटर में मार्केट वगैरह सब मिल जाएंगे। और यहाँ से शहीद पथ की दूरी की अगर बात करें तो कितना होगा? शहीद पथ यहाँ से नियर अबाउट पड़ेगा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। लेफ्ट हैंड पे बिजनौर मार्केट पड़ेगा जी। इसके बाद आगे जाएंगे सीआरपीएफ कैंप चौराहा पड़ेगा। सीआरपीएफ कैंप चौराहा पड़ेगा, यानी कि मतलब ये सीआरपीएफ के कैंप के पास में ये जगह है, यहाँ पर आर्मी के जो लोग हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। और आगे जाके आपका रिंग रोड पड़ेगा। रिंग रोड की दूरी यहाँ से कितनी होगी? डिस्टेंस मुश्किल से 1 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा ठीक है। थोड़ी साहब अगर बात करें यहाँ पर जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं इन रॉ हाउसेज में, वो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? देखिए रॉ हाउसेज में पूरा कम्प्लीट हाउस है जी, समर्सिबल सब में लगा हुआ है, सबका इंडिपेंडेंट, वाटर को भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, रोड 25 फीट की है, नाली है, लाइट है, एक बहुत बड़ा पार्क भी दिया हुआ है। अच्छा, सबका ड्रेनेज, सबका सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह वो आगे पूरा मेन गेट रहेगा वहाँ प्रॉपर। जो हाउसेज हैं वो कौन कौन से साइजेस के हैं और उनके क्या क्या रेट हैं और वो कितने कितने बीएचके में हैं? जितने भी यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो साइज सबके 880 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है। 880 प्लॉट एरिया है। कवर्ड एरिया जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो नियर अबाउट 1350 स्क्वायर फीट है। घर जिसके पीछे हम लोग अभी हैं, ये जो हमारे पीछे जी जी, ये 880 स्क्वायर फीट, 880 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 1350 एरिया है। 1350 स्क्वायर फीट। और इसमें 3 BHK, जितने भी हाउस हमारे हैं सब में 3 BHK। कितने वॉशरूम्स हैं इसमें? 3 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम, किचन, डाइनिंग वगैरह। 2 अटैच है, 1 कॉमन है, आपका 3 बेडरूम है, 1 डाइनिंग है, किचन है, और अच्छा सा पार्किंग दिया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर जो रेट की बात की जाए तो रेट क्या है यहाँ पर? रेट देखिए, यहाँ पे हमारे जितने भी हाउसेज हैं कंस्ट्रक्शन एरिया पर टोटल हम 2900 रुपए स्क्वायर फीट केवल। 2900 रुपए स्क्वायर फीट। अच्छा ठीक है, किसी को 800 स्क्वायर फीट या 832 स्क्वायर फीट के तो आपके अपने रॉ हाउसेज हैं। अगर किसी को कुछ और मॉडिफाई कराना है, कस्टमाइज कराना है कि भाई मुझे 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए, मुझे 1500 स्क्वायर फीट का चाहिए, जी जी, क्या आपकी कंपनी वो भी कर देगी? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास साइजेस जो है प्लॉट एरिया के 880 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, मतलब हर साइजेस के प्लॉट के भी हैं। अच्छा हाँ जी। और ये जो जमीन है ये दाखिल खारिज जमीन है? हाँ, दाखिल खारिज जमीन प्रॉपर है, नगर निगम प्रॉपर पूरी। यहाँ पर लोन की क्या फैसिलिटी है? लोन हमारा LIC हाउसिंग कर देगा, PNB हाउसिंग भी कर देगा, और भी अदर कई बैंक मतलब यहाँ पर लोन लोगों ने लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुछ फैमिली शिफ्ट भी हुई है? बिल्कुल, लाल मुझ शिफ्ट होने वाली है, जितने आपको मकान यहाँ पर कम्प्लीट दिख रहे हैं समय शिफ्ट होने वाले। इसकी जो अगर बात करें रजिस्ट्री और पोजीशन की, वो तुरंत है या फिर थोड़ा समय? मतलब आप रजिस्ट्री आज करा सकते हो, या पोजीशन हम जब पोजीशन तो टाइम देना पड़ता है, जैसे कि फिनिशिंग वगैरह में, मतलब वैसे टाइम नहीं ना कि एक साल या दो साल। अबाउट 60-70 हाउस की हमारी प्लानिंग है, 60-70 हाउस हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो मतलब पोजीशन तुरंत मिल जाएगा। तुरंत। ओके, तो दोस्तों सोढ़ी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर रॉ हाउसेस का जो यहाँ फैसिलिटीज दे रहे हैं, रॉ हाउसेस के रेट क्या है, चलते हैं एक बार रॉ हाउसेस को अंदर से देखते हैं कैसे रॉ हाउसेस हैं। अभी हम लोग जो है शहीद पथ के पास में हैं। शहीद पथ से ये एक रास्ता जो है लेफ्ट में जाता है, जो कि ये बिजनौर मार्केट के लिए रास्ता जा रहा है और बिजनौर रोड के लिए जा रहा है ये रास्ता। थोड़ा जब हम आगे जाते हैं तो ये शहीद पथ के पास से थोड़ा आगे मार्केट है, फिर उसके बाद में हम लोग बिजनौर रोड के लिए। सबसे पहला जो लैंडमार्क है वो HP का पेट्रोल पम्प है। दूसरा, यहाँ पर जब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो एक और पेट्रोल पम्प पड़ता है जो कि भारत पेट्रोलियम का है। उसके बाद में आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो आपको जो दिखेगा यहाँ से लगभग शहीद पथ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और पेट्रोल पंप जो लास्ट में आएगा वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, जो कि ये है, और यही बिजनौर रोड है, और यहीं इसी के सामने से जस्ट लेफ़्ट जाना पड़ता है हमें। और जब हम लेफ़्ट जाते हैं यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर लगभग, तो हमें ये रॉ हाउसेस की सोसाइटी मिल जाती है। 60 से 70 मकानों की रॉ हाउसेस की सोसाइटी है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे लाइन से रॉ हाउसेस बने हुए हैं।
तो ये जो रॉ हाउसेस हैं कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, रॉ हाउस को अंदर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले जब हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है कार पार्किंग एरिया मिलता है यहाँ पर, जिसमें कि आप अपनी कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ये छोटा सा एरिया गार्डनिंग के लिए, दो गेट हैं, एक घुसते ही लेफ्ट में और एक सीधे पे। सबसे पहले ये हम डाइनिंग एरिया में हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर किस तरीके से यहाँ पर इंटीरियर का काम इन लोगों ने करवाया हुआ है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ओपन किचन मिलता है यहाँ पर, और उसी के साथ से एक बाहर जाने के लिए रास्ता, और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी यहाँ पर विंडो दी गई हैं ताकि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। घर पूरी तरीके से तैयार है ये। फिर उसके बाद में हमें इस घर में मिलते हैं तीन वॉशरूम्स, जो कि दो नीचे हैं वॉशरूम, एक नीचे कॉमन है, एक नीचे वॉशरूम अटैच है एक रूम से, और एक ऊपर है जो कि अटैच है। ये अटैच वॉशरूम है पहले रूम का, कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से इसमें इन्होंने ब्रांड यूज़ किए हुए हैं सभी चीज़ों में। काफ़ी स्पेशियस देकर के बनाया है, जैसे कि 832 स्क्वायर फीट एरिया है। तो फिर अभी हम लोग दूसरे रूम में हैं। दूसरे रूम में जब हम लोग जाते हैं तो ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिलता है, ये पेंट मिलता है यहाँ पर। फिर जब बाहर निकलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक और जो ओपन एरिया है वहाँ पर दोनों ही रूम के जो डोर्स हैं वो पीछे इस जगह पे खुलते हैं, जहाँ पे जाल के पास में जो वेंटिलेशन के लिए। फिर अभी हम लोग चलते हैं एक बार ऊपर की तरफ, जहाँ पर एक ऊपर रूम बना हुआ है। इन्होंने रेलिंग सीढ़ियों के साथ में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बाहर पे ग्रिल कुछ ग्लास के साथ में है। फिर उसके बाद में ऊपर एक रूम है और ऊपर बाहर एक खुला एरिया है। रूम जो है ऊपर का, उसके साथ एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पर, आप देखेंगे इसको, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं 832 स्क्वायर फीट में। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इनको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, 1000, 1200, 1500 का भी बनवा सकते हैं। बाकी अभी हम लोग बाहर चलते हैं छत के ऊपर, तो ये बाहर का कुछ इस तरीके का लुक है, बाहर से कुछ ऐसे दिखता है। आसपास में काफ़ी घर बने हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है ये। बाकी कुछ रॉ हाउसेस का ये क्लिप, इसमें लगातार रॉ हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। जैसा कि बताया 60 से 70 मकानों की सोसाइटी है ये, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। दाखिल खारिज ज़मीन पर बने हुए घर हैं, इमीडिएट रजिस्ट्री इमीडिएट पोजिशन है यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।